हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पार्टीशन वैल्यू का थर्ड पार्ट। इसी सीरीज के पहले दो पार्ट्स के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि कैसे आप क्वार्टाइल की हेल्प से अपने एंटायर डेटा सेट के फोर इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं और कैसे आप डिसाइल की हेल्प से अपने डेटा सेट को 10 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। आज का जो हमारा मेजर है उसका नाम है परसेंटाइल, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ पार्टीशन वैल्यू। और परसेंटाइल की हेल्प से आप अपने डेटा सेट के 100 इक्वल पार्ट्स बना सकते हैं। अब ये 100 इक्वल पार्ट्स कैसे बनेंगे और कैसे इस परसेंटाइल की वैल्यू को आप इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस के अंदर आइडेंटिफाई करेंगे, उसके लिए हम पावर पॉइंट की हेल्प से कुछ एग्जांपल को लेते हैं और समझते हैं कैसे ये काम करता है। पार्टीशन वैल्यू में सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि पार्टीशन मेजर ऑफ एवरेज नहीं होता, मतलब कि वो आपके डेटा सेट को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करता बल्कि आपको डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ परसेंटाइल के बारे में। परसेंटाइल हमें क्या कहता है कि जो आपका एंटायर डाटा सेट है आप उसको 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। मतलब अगर मेरे पास एक बनाना है, अगर मैं इसके 100 पार्ट्स चाहता हूं तो मुझे इसमें 99 कट्स लगाने होंगे और हर कट को हम क्या बोलेंगे, P1 देन P2 देन P3 देन P4 और P99 तक हम जाएंगे और 99 कट्स लगाने के बाद हमारे पास लास्ट 100 कट निकल कर आ जाएगा। हर कट का जो साइज होगा वो 1% रहने वाला है। अब हमें समझना ये है कि परसेंटाइल जो है हम उसे कैसे इंडिविजुअल डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस सीरीज के केस के अंदर यूज करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जो P50 होगा वो बनाना को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा और इसीलिए P50 इज ऑलवेज इक्वल टू मीडियन। अब हमें यह समझना है कि अगर आप परसेंटाइल को इंडिविजुअल सीरीज के केस के अंदर यूज कर रहे हैं तो आपको जरूर याद रखना है एक बात को कि आपका जो डाटा है वो सिर्फ और सिर्फ असेंडिंग ऑर्डर में ही होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर से मेरा मतलब यह है कि सबसे पहले छोटी वैल्यू, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी एंड सो ऑन। तो आइए समझते हैं कैसे परसेंटाइल काम करता है। हमारे पास यहाँ डाटा दे रखा है बच्चों का, 10 बच्चों का डाटा है। पहला काम क्या करेंगे, डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद हमारा फॉर्मूला क्या है, n+1/100। 100 क्यों है, क्योंकि परसेंटाइल आपके डाटा सेट को 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। P60 का मतलब यह है 60% डाटा एक तरफ चला जाए, 40% एक तरफ चला जाए। अगर आप P40 निकालोगे तो यहाँ पे 60 की जगह 40 आ जाएगा, P30 निकालोगे तो यहाँ पर 30 आ जाएगा, n+1/100 सेम रहेगा। आइए देखते हैं P60 की वैल्यू क्या आएगी। n क्या है, 10, 10+1/100 किया इंटू में 60 किया, 6.6 आया, मतलब कि वैल्यू 6 और 7 के बीच में लाई करने वाली है। और 6.6 की एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी, 6 आइटम, 7 तो 6 का डिफरेंस और उसका फिर 60% हमने ले लिया। 6 आइटम क्या है, 13, 7 और 6 का डिफरेंस क्या है, 14-13 और उसका 60% ले लिया एंड P60 इज 13.60। ऐसे अगर मैं P38 निकालना चाहता हूं तो फॉर्मूला देखिए, n+1/100 इंटू में क्या आ गया, 38, वैल्यू को पुट किया दैट इज 4.18, मतलब कि फोर्थ और फिफ्थ में लाई करने वाली है। क्या होगा यहां पर, अब हम फोर्थ वैल्यू, फिफ्थ और फोर्थ का डिफरेंस और उसका फिर 18% हमने ले लिया यहां पर और हमारी P38 आई 11.18। अब हम बात करते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज के अंदर कैसे परसेंटाइल यूज होगा। पहला काम क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसी को क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करेंगे, मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल लेंगे, 5+8 13+12 25 एंड सो ऑन। P30 निकालना चाहता हूं तो n+1/100 इंटू में 30 आ गया यहां पर। अब हमारा n क्या है, समेशन ऑफ f दैट इज 40, वैल्यू को पुट किया दैट इज 12.3 और 12.3 को आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में लोकेट करेंगे। अगर अवेलेबल नहीं है तो उससे नेक्स्ट हायर वैल्यू उसको लेके चलिए। हायर वैल्यू क्या है हमारे पास, 13 और 13 के सामने की वैल्यू क्या है, 11, तो हमारा P30 क्या हो गया, 11। अगर मैं P95 निकालना चाहता हूं तो आप देखेंगे फॉर्मूला में अब n+1/100 इंटू में 95 आ गया, वैल्यू को पुट किया 38.95, CF में हमने उसको लोकेट किया, कहां पे लाइक किया, 40 में, और 40 के सामने की वैल्यू क्या है, 16, दैट इज माई P95 इज इक्वल टू 16। अगर मैं कॉन्टिन्यू सीरीज में जाता हूं तो फॉर्मूला बदल गया है, अब n/100 है। पहला काम क्या है, फ्रीक्वेंसी का हमने क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया, रेंज हमें यहाँ पे दे रखी है। अगर P25 निकाल रहा हूँ तो n/100 इंटू में 25 किया दैट इज 68.5 और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आइडेंटिफाई करेंगे अगर इसको तो कहाँ पे लाई करेगा, 18 में। इसका मतलब जो P25 है उसकी जो रेंज है वो क्या है, 14 से 21 के बीच में। एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमारा ये फॉर्मूला आ गया, L1+25 n/100 -PCF/f(i). PCF क्या हुआ, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है 36, L1 क्या हो गया 14 और इंटरवल कितने का है, 7 का, वैल्यू को पुट किया एंड P25 इज इक्वल टू 18.76। ऐसे P89 निकालना है तो क्या होगा, फॉर्मूला में n/100 इंटू में 89 आ गया,
243.9 को लोकेट करोगे कहाँ आएगा, 246 पे, रेंज क्या आई 35 से 42 की, फॉर्मूला पुट किया, प्रीवियस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हुई 203, फ्रीक्वेंसी हुई 43, इंटरवल हुआ 7 का और L1 था 35, वैल्यू को पुट किया हमारा और P89 की वैल्यू आ गई हमारी 41.65। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे परसेंटाइल हमारे डेटा सेट के 100 पार्ट्स बनाता है और हर पार्ट का साइज क्या होता है 1% का है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।